हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली रसोई विद श्वेता। आज मैं आपके लिए केसरिया खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। खीर सबको बहुत पसंद होती है। अगर आपका कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इस खीर को जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 ग्लास दूध। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है। 1/3 कप चावल, जिसे मैंने 20 से 25 मिनट तक पानी में भिगो लिया है। 25 से 30 केसर की पत्ती। 1/2 कप चीनी, चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 पिस्ता बारीक कटे हुए। 4 से 5 बादाम बारीक कटे हुए। 4 से 5 काजू बारीक कटे हुए। और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। सबसे पहले हम एक भगोनी में दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये देखिए दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम एक बड़े चम्मच दूध में केसर की पत्ती को भिगो के रख देंगे। और अब दूध में चावल डाल लेंगे। और अब इसे लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकने देंगे। करीब 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दूध में चावल पक चुके हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला लेंगे। बादाम डालें, काजू डालें। किशमिश और पिस्ता डालें। और इसे अच्छे से मिक्स करके वापस 8 से 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। ये देखिए 10 मिनट बाद चावल दूध में अच्छे से पक चुके हैं और खीर भी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें भीगी हुई केसर मिला लेंगे। और इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। ये देखिए खीर का कलर केसर की वजह से येलो हो गया है। अब इसमें चीनी डालेंगे और साथ ही इलायची पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे करीब 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे ताकि चीनी खीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए करीब 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी केसर वाली चावल की खीर बनके तैयार है। गैस बंद करके हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए।